हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। आज मैं आया था यहाँ गुड़गांव में कंसेंट्रिक्स में। तो मैं यहाँ अभी वैसे इंटरव्यू देके बाहर आया हूँ। मैंने काफ़ी अच्छा कुछ सुना था यहाँ के बारे में कि अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। इससे सैलरी तो मुझे नोएडा मिल रही थी, बट वही है, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। मैं बट व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है, बेकार है पूरा। ये देखो, ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही है कंसेंट्रिक्स के ग्राउंड फ्लोर पर। कंसेंट्रिक्स में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं। अभी यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए और आते जा रहे हैं बहुत दूर से। मैं भी आया था नोएडा से, सुबह 9 बजे निकला हूँ घर से, तब जाके मैं यहाँ 12 बजे करीब पहुँचा हूँ मेट्रो से। काफ़ी टाइम लग गया आने में मुझे यहाँ पर। और जैसे मैंने यहाँ अपना CV सबमिट किया था, पहले तो काफ़ी आते आते टाइम लग गया, वैसे ही मन ख़राब हो गया था। फिर जैसे जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, फिर क्या कहते हैं, अपने CV सबमिट किया है, रेफरेंस भी अपना ही डलवा रहे हैं ये ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे फ्रेंड था उसने रेफरेंस अपना दिया था, तो रेफरेंस भी कहा ना वो वाला मेंशन नहीं करना है, हमारा जो रेफरेंस है वो डालना है। रेफरेंस डालने के बाद ही अपना CV सबमिट कर दिया मैंने। उसके बाद ये अभी एक HR आई थी जो उन्होंने नाम बुलाया, और नाम बुला के ले गए हैं अंदर जा करके। काफ़ी लोगों को तो वैसे ही मना कर दिया, अगर अंडर ग्रेजुएट को तो उनको वैसे ही मना कर दिया है। और दूसरा फिर बोला कि आप एक्सपीरियंस हो, मैंने बोला हाँ। लास्ट सैलरी मेरी पूछी तो लास्ट सैलरी मैंने अपनी बता दी कि इन हैंड थी इतनी मेरी लास्ट सैलरी 32 का अराउंड थी मेरी सैलरी। फिर बोला कि हम जो इतने ऑफर नहीं कर पाएंगे, हम आपको मैक्सिमम 15,000 दे पाएंगे। अब यार बताओ, इतने कम सैलरी में कौन कौन काम करेगा? गुड़गांव में सब इसलिए आते हैं ताकि और सैलरी मिले। गुड़गांव के नाम पर सैलरी तुम चिल्लर बांटो, से सैलरी तुम्हें नोएडा में मिल जाती है। 15,000 कोई सैलरी होती है? 32,000 रुपये की मैंने लास्ट छोड़ी थी, 32 इन हैंड सैलरी थी। ये सब पता नहीं क्या कर रखा है।